सुभाष चंद्र बोस यानी हमारे प्रिय नेताजी, जिनका जन्म साल के पहले महीने यानी 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। नेताजी ने ICS यानी भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का नाम जर्मनी में भारतीयों ने दिया था, जहां उन्होंने अपने नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उनकी बहादुरी, अद्वितीय नेतृत्व और भारत की आजादी के लिए संघर्ष के कारण लोग उन्हें इस सम्मानित नाम से पुकारने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने मुख्य रूप से तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारे दिए। इन नारों से वह भारतीयों में आजादी के प्रति जोश, बलिदान और एकता की भावना जगाना चाहते थे, ताकि हर व्यक्ति स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए एकजुट होकर लड़ सके। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि उनकी विचारधारा महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेस के नेताओं से अलग थी। गांधी जी अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस अधिक आक्रामक और सशस्त्र मार्ग अपनाना चाहते थे। बोस जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में जापान और जर्मनी जैसे देशों की मदद ली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेज कर दिया। नेताजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। नेताजी ने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया था। नेताजी ने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, साथ ही उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की भी शुरुआत की। नेताजी का निधन 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में ताइवान के अस्पताल में हुआ था। नेताजी की जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।